हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार सी टेस्टी सी रेसिपी, भंडारे वाली आलू की सब्जी, जिसे पूड़ी पराठे के साथ सर्व किया जाता है। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो मेरी स्टेप बाय स्टेप पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप जो भी ऑयल यूज करते वो यूज कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें राई, जिसे हम मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। ये मैंने लिया है कूटा हुआ धनिया, इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है अगर आप कूट के डालेंगे तो। 1 टीस्पून हम ले लेंगे और इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची, जिसे बीच से मैंने कट लगा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून, अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। इसमें हम प्याज नहीं यूज करेंगे। 1 मिनट हम अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन ना रहे। एक मीडियम साइज का हम टमाटर ले लेंगे, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर को हमें गलाना है तो हमें इसे कवर करके 1 मिनट कुक कर लेंगे, जिससे टमाटर हमारा अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए, अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से पुश करेंगे, जिससे टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। बहुत ही जबरदस्त सी सब्जी ये बनकर तैयार होती है। एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई जरूर करिएगा। अब इसमें हमें डालना है कुछ पाउडर मसाले, तो हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्च डाला है तो कश्मीरी लाल मिर्च का तीखापन नहीं आता, इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में, तो होगा तो डालिएगा जरूर। अब इसमें हम डालेंगे आलू, ये मैंने बॉयल किए आलू लिए हैं 4 से 5 मीडियम साइज के, इसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। ये देखिए सारे आलू को मैंने डाल दिया, अब इसको हम चलाएंगे। मसालों के साथ में आलू को हम 1 मिनट भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। बहुत ही इजी है बनाना, और आप चाहे तो अगर ऑफिस के लिए आपको लोग बनाना है सब्जी तो आलू रात में बॉईल करके रख लीजिए और सुबह में फटाफट से इसको तैयार कर लीजिए। बस 5 मिनट लगेगा आपको तैयार करने में सब्जी को। अब इसमें हम पानी डालेंगे 1 कप, जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतनी आप पानी डाल लीजिए इसमें, बहुत ज्यादा थिक ये सब्जी नहीं बनती है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट कुक करेंगे पानी के साथ में आलू को। अब इसमें हम नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, क्योंकि नमक मैंने अभी नहीं ऐड किया था। ⅓ टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें मैंगो पाउडर, जिसे आमचूर कहते हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो लेमन जूस डाल दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। देखने में लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी सी सब्जी,
बहुत ज़बरदस्त बनती है, एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इसमें हम डालेंगे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, ये देखिए पानी मैंने जितना डाला था उतने में ये थिक हो गई है, तो थोड़ा सा पानी हम बाद में फिर ऐड कर देंगे। पानी जब भी डालिएगा तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालिएगा। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे हम बटर, क्योंकि हम ऊपर से तड़का नहीं लगाएंगे इसमें, तो हम बटर डाल देंगे इसमें। अब सब्जी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको हम कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, 10 मिनट बाद हम सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ज़बरदस्त सी आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे पूड़ी पराठे के साथ सर्व कीजिए तो बहुत ही मज़ा आएगा, आपको देखने में ही लग रहा होगा कि कितनी टेस्टी सब्जी बनी है। एक बार इस तरह से बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा हम इसमें धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, इसे बनाइए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी, भंडारे वाली। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।